नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई, आप लोग जो बाहर से आ रहे हैं इंडिया के लिए, बहुत सारे सिस्टम चला आ रहा है कि क्वारंटाइन में ये कमी है, ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, पैसा ज़्यादा लग रहा है, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये बिल्कुल सत्य और 100% सही बात है। अब इसमें हम बात करेंगे साथियों कि मान लीजिए वो बात आप लोगों ने, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग काफ़ी सारे लोगों ने भेजी है, आपने देखा भी होगा, और ये खर्चा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। लोगों से को पैकेज दिए जा रहे हैं 15,000 का, 30,000 का, जैसे पैकेज लेते हैं ना कोई स्कीम के तहत, वैसे पैकेज दिए जा रहे हैं। लेकिन इनके पीछे थोड़ा सा आप दिमाग लगा के ये सोचिए कि मैं ये बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से, मैंने जहाँ तक देखा है, बहुत सारे लोग जो नहीं आना चाहिए था वो लोग इंडिया पहुँच गए। अब वो लोग बोलते हैं हम तो मर गए, हम तो भूख मर रहे हैं, हम तो बर्बाद हो गए, ये हो गए। अब एक दिमाग थोड़ा सा आप लगाइए कि यहाँ जो कैलकुलेशन लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से खर्चा बैठ रहा है 14 दिन का 50,000 से 70,000 के बीच में, टिकट सहित, मैं टिकट भी इंक्लूड कर रहा हूँ साथ में, 15-20 हज़ार के आपके टिकट लग रही है, फिर आपका वहाँ से टैक्सी से आ रहे हो, मतलब खर्चा तो लगेगा। और इन टॉपिक पे 5-7 टॉपिक पे हम बात करेंगे, आप वीडियो पूरा देखिएगा, कुछ वॉइस आई है वो भी मैं सुनाऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर भी कर दीजिए भाई जो इंडिया आने के लिए बहुत ज़्यादा लालायित हो रहे हैं। मेरे व्हाट्सअप पर इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि आप हेल्प नहीं कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं। अरे भाई मैं क्या करूँ यार, जो देश के करने वाले सर्वोच्च पदों पे बैठे हैं वो कर सकते हैं, मैं तो आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए बैठा हूँ, वो आपको मैं दे सकता हूँ वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो पूरा देखिए, समझ में आए उनको भी, ताकि वो थोड़ा सा धीरज रखें। 5-7 टॉपिक पे हम बात करेंगे। मैं टोटली माइनस पॉइंट की बात करने जा रहा हूँ भाई, मेरे पास हमेशा कड़वी बातें होंगी, और कड़वी है ना, दवाई कड़वी होती है लेकिन रोग को ठीक कर देती है, चिकनी चुपड़ी बातें मेरे पास नहीं होती। आप चाहे गलत कमेंट करें तो करें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पहली बात यह कि आप जैसे कोई भी कंट्री बैठे हो, वहाँ से आप टिकट बुक कराओगे तो टिकट आपका लगभग नॉर्मली, टिकट जैसे दुबई की बात करें 8-10 हज़ार में मिल जाती थी, अभी 15,000-16,000 लग रहे हैं, तो डबल के करीब मान लीजिए। फिर आप वहाँ से आओगे, आपको कितना रिस्क रहेगा, फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग कोई नाम की चीज़ नहीं है। ये बोला गया था कि एक बीच में सीट छोड़ के बिठाएंगे, लेकिन नहीं है। जिस तरह से तस्वीरें आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं पूरी खचाखच प्लेन भर के आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो किराया उनको रिकवर करना होता है, जनता बहुत ज़्यादा आने वाली, ये भी एक रीज़न है। इस वजह से कितनी बैंकर रिस्क है, आप मकान में बैठे थे, जहाँ पर भी आप रह रहे थे वहाँ आपको श्योरिटी थी कि हम 20 बंदे हैं, हमें किसी को, किसी में कोरोना नहीं है, हम संतुष्ट हैं। बाहर जाता तो भी आप अपने तरीके से जाते, पूरी एहतियात से, आपको पूरा भरोसा था कि अपने कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी आप प्लेन तक आए, एयरपोर्ट तक आए, प्लेन में बैठे 200-250-300 लोग बैठे हैं, कोई गारंटी नहीं है भाई कौन है क्या है, एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हो, टच हो रहे हो आप एक दूसरे से, सांस वगैरह, ये इस तरह की कितनी बड़ी रिस्क है आपकी, थोड़ा दिमाग लगाइए। अब आप फिर एयरपोर्ट पहुँच गए, इंडिया में पहुंच गए, फिर आपको बोलेंगे होटल में जाना है 30,000 लगेगा, इधर नॉर्मली में जाना है 15,000 लगेगा, यहाँ जाना इतना लगेगा, फिर भी उनमें पैसा लगता है। सुविधा के नाम पर बोलेंगे यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे पंखा नहीं है, इन तरह की एक मकान में डाल देंगे नीचे गद्दे बिछा के, तो ये कितनी समस्या है। फिर आपको यहाँ आके धोखा होगा यार, इससे तो बड़ी हम दुबई में बैठे थे, सच्चाई है ये, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा दिमाग में डालिए आप, आपको लगेगा कि यार हमने इतना पैसा खर्च किया, इससे तो बढ़िया वहीं था, लास्ट में सोल्यूशन भी दूंगा इसका, ठीक है साथियों। चलो ये भी आप झेल लेते हो, उसके बाद में लोग बोलते हैं हमारा टाइम पे मेडिकल नहीं हुआ, हमारी जाँच नहीं हुई, हमारे पास डॉक्टर नहीं पहुँचा, हमें इलाज हमारा नहीं हो रहा है, हमें कोई सार संभाल नहीं करने वाला है। तो मेरे भाई 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, यहाँ पे कितने लोग, आपको पता है क्या स्थिति है, सीधी सी डॉक्टरों की कमी, नर्सेज की कमी, मेडिकल स्टाफ की कमी, हर चीज़ की कमियां चल रही हैं। नॉर्मल टाइम नहीं है ये, इमरजेंसी टाइम है, हर चीज़ की कमी महसूस होती है। और आप ये चाहते हो कि हमें आते ही ट्रीटमेंट मिल जाए, भाई बिल्कुल नहीं मिलेगा, लोगों को वेट करना पड़ता है। आपने सुना कितनी बार यार अखबारों में आता है, सरकारी अस्पताल में जाते हैं नॉर्मल टाइम में, जिसमें कोई कुछ नहीं होता, उसमें मरीजों की सुध नहीं ली जाती। तो अभी तो स्थिति कितनी 10 गुना ज़्यादा विकट है, तो अभी तो कोई चांस ही नहीं है। जैसा आप चाहोगे वो सुविधा नहीं मिलने वाली आपको। आप मान लीजिए पहुँच गए, आपका कोरोना टेस्ट ले लिया, अब उसकी रिपोर्ट आएगी जी, अखबारों में देखा होगा 1 महीने से रिपोर्ट पेंडिंग है, 15 दिन से। आप ये क्यों मानते हो 14 दिन बाद आप घर पहुंच जाओगे, मेरे से लिखवा के ले लो, आप 14 दिन बाद घर नहीं पहुंच पाओगे मेरे से। हाँ ठीक है, 15,000 लोग पहुंचे, उनमें से अगर 2-4 हज़ार पहुँच गए तो क्या होगा, सब पहुँच जाएंगे भाई, लेबर कैटेगरी के आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं, मजदूरों पर कौन ध्यान देता है, समझ रहे हो आप बात को। आज आपकी, आपको आए आज 4 दिन हो गए, 4 दिन बाद में आपकी जांच करी, फिर वो आप आगे भेज दी कि उसकी जांच की रिपोर्ट आएगी। कई बार सुनने में आता है 25 दिन से रिपोर्ट आई, कई बार सुनने में आता है 29 दिन से, महीने से रिपोर्ट आई। तो आपको लगता है कि वो रिपोर्ट आने से पहले आपको घर भेज देंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे। 14 दिन के 28 दिन भी हो सकते हैं, महीना भी हो सकता है, आपको रहना पड़ेगा, वो खर्चा फिर किसका लगेगा, आपका।
ये माइनस पॉइंट है, ये सच्चाई है। लोग एक एक महीने से, डेढ़ डेढ़ महीने से लोग क्वारंटाइन होके घर पहुंचे हैं, जबकि बात तो गवर्नमेंट की 14 दिन की थी। वो क्यों इतने दिन बैठे, इनकी रिपोर्ट नहीं आई, कोई न कोई डॉक्टर की कमी थी या फिर कहीं ना कहीं मेडिकल की कमी थी, कुछ न कुछ कमी थी, इस वजह से तो टाइम ज़्यादा निकला ना। और अभी तो पिक पे है मेरे भाई, जब स्थिति इंडिया में 10-15 हज़ार करोड़ संक्रमित की थी तब की स्थिति ये थी। अभी तो देखो आप पहुँचोगे तब तो लाख के ऊपर आंकड़ा पहुँच जाएगा। मई और जून इंडिया के लिए खतरनाक है भाई, विदेश में बंदे सेफ रहेंगे, इंडिया में खतरनाक होने वाला। आप देख लीजिए कल तक 80,000 के करीब पहुंच जाएगा आंकड़ा, आज की डेट में मैं बता रहा हूं इतने। तो अब ये सब बातें हो गई, मैंने आपको माइनस की पॉइंट बता दी। अब सीधी बात है, 15,000 टिकट के खर्च करते हो, फिर वहां से टैक्सी भी लेके आते हो, ये मान लो एयरपोर्ट तक पहुँचते पहुँचते आपके 20,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, क्योंकि यहां से आप पैसा मंगवाओगे वो 18-20-19 के भाव से नहीं जाएगा, वो 22 के भाव से जाएगा। तब आपको यहां 2200 रुपये डलेंगे, वहां पे आपको 100 दराम निकलेगा, तो कितना महंगा पड़ गया। 20-22 हज़ार तक तो आप एयरपोर्ट तक पहुंचोगे, उसके बाद यहाँ होगे, यहाँ आते बोलेंगे भाई आपको अच्छे वाले में जाना है, नॉर्मल में जाना है, फिर वो पैसा लगेगा। यानी 50,000 से 70,000 रुपये लेके मान के चलिए, अगर आप नॉर्मली तरीके से ये खर्चा आप बचाना चाहते हैं, ये सोचते हो कि भाई चलो हमें अभी नहीं जाना है, ये पैसा आप अपने पास रखें। आपको पता है दुबई में आप रह रहे हो, लगभग को रूम फ्री मिल रहे हैं, 80% 90% लोगों को रूम फ्री हैं, 10% वही हैं जो अच्छी जॉब कर रहे थे, जो रूम खुद का लेके रह रहे थे, ठीक है, या फिर विजिट में घूमने के लिए गए थे, वो उनके लिए दिक्कत है। बाकी 80 से 90% लोगों को रूम फ्री मिल रहे हैं। खाने का कितना लगता है दुबई में, आप रोज़ के वो कबाब वो थोड़ी खाते हो, नॉर्मल अगर सब्जी रोटी खाते हैं तो 200-250 दराम में आदमी आराम से महीना निकाल लेता है। 300 दराम मान लो, 300 दराम का कितना रुपया होता है जी, एक महीने का कितना होता है, 6,000-7,000 से ऊपर नहीं होता ना, कितना लग जाएगा आपका वहाँ दुबई में रहोगे तो। रहना तो आपको इधर भी आके यही है, यहाँ आपकी ज़्यादा रिस्क है, और वहाँ से निकल के कहाँ जाओगे, घर में कैद रहना है। इससे तो बढ़िया मेरे भाई कि पैसा भी बचेगा, आप अगर अपनी कंट्री जहाँ हो वहीं रहोगे, इससे सस्ता पड़ेगा आपको। महीने दो महीने बाद आओ, आप दो महीना वहाँ, दो लोग बोल रहे हैं हम दो महीने से बैठे हैं, डेढ़ महीने से बैठे हैं, तीन महीने से तो कोई नहीं है, ये मान लो लगभग दो महीने से बैठे हैं, दो महीने का वो जोड़ लो, दो महीने का आप और जोड़ लो, 20,000 में आप दुबई में आराम से खर्चा करके रह सकते हो, मेरी बात को समझिए। उसके बाद आप टिकट लेके आओ ना घर पे, 4 महीने बाद में वो टिकट आपको आधे पैसे में मिल जाएगी, वो पैसा रिकवर हो जाएगा, रिस्क नहीं रहेगा आपका। मेन बात ये, रिस्क नहीं रहेगा, वहाँ से निकलते आपका रिस्क स्टार्ट होता है, घर तक आओगे रिस्क ही रिस्क है मेरे भाई, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। बस ये जानकारी देनी थी, अन्य लोगों को थोड़ा वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि कोई आने वाला हो तो मेरे भाई रुक जाएं हाथ जोड़ के। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, 15 दिन से बोल रहा हूँ, लोग तो अब बोलने लगे हैं क्वारंटाइन होने के बाद वीडियो देख देख के, मैं तो 15 दिन पहले से बोलने लग गया था। ठीक है साथियों, नए टॉपिक में मिलते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।